हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। क्या अमेरिका की मुसलमान कम्युनिटी को शिद्दत पसंदी से दूर रखने की कोशिशें कामयाब नहीं हो रही, इस पर हम बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। रोहिंग्या के मसाइल अमेरिका में उजागर करने की कोशिशें। कराची की सिख कम्युनिटी की कानूनी जीत। एसडीएम के कोर्ट में या सिविल जज के कोर्ट में बोला भाई ये कब्जा मेरे पास था, इनका साबित नहीं हुआ, ज्यादा मुझे दिया जाए। और सॉफ्ट ड्रिंक की आदत छुड़वाने का एक अनोखा प्रोग्राम। न्यूयॉर्क में साइकिल सवारों को गाड़ी से टक्कर मारकर हलाक करने वाले सैफुल्ला साइपोव पर वफाकी हुकूमत ने दहशतगर्दी का इल्जाम बाकायदा आयद कर दिया है। मंगल को होने वाले इस वाकये में 8 अफराद हलाक और कम से कम 11 जख्मी हो गए थे। मजीद तफसीलात हम लेंगे न्यूयॉर्क में वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा सेलिया मेंडोजा से। सेलिया, व्हाट्स द लेटेस्ट इन दिस इन्वेस्टिगेशन एंड व्हाट एग्जैक्टली आर द चार्जेस अगेंस्ट हिम? That's right. The FBI, as well as the prosecutor in New York, presented yesterday a complaint against him. He was in court. He was in a wheelchair. And they said that they are charging him with terrorism. This is a preliminary stage that they will have a month to file an indictment that actually will give a specific charges that will have the time that he could face. And eventually, if he possibly will have to face the death penalty. That was something that the prosecutor said yesterday during the press conference. And it will give us a better view of what's happening in his case. All right. So, जो उसके ऊपर फिलहाल चार्जेस हैं वो दहशतगर्दी से मुतालिक ही हैं, लेकिन जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनके पास एक माह का वक्त है फर्द जुर्म आयद करने के लिए। गुज़िश्ता रोज साइपोव को अदालत में लाया गया और वो व्हील चेयर में था, और जो एक माह बाद चार्जेस सामने आएंगे उनसे ये वाज़ह हो जाएगा कि क्या क्या इस क्राइम में मुलव्वस था, क्या क्या किया गया। सेलिया, द विक्टिम्स इन दिस इवेंट वर मोस्टली फॉरेन सिटीजंस, व्हाट मोर डू वी नो अबाउट दैट? We know that the governments are working together to try to bring the bodies back to their countries, 5 Argentinians, 1 Belgian, but also 2 Americans. The FBI as well as the prosecutor made emphasis that this is a crime that affected a lot of people, and especially in New York where a lot of tourists are coming to visit, and they want to make sure that they prosecute these men fast and then they send a message to others that will try to do the same. So prosecutors ki yani wakila ki koshish hogi ki ek strong message, ek strong paigham duniya bhar ko hi diya jaye, kyunki is waqiye mein bahut se gair mulki हलाक हुए तो इसका इफेक्ट सिर्फ अमेरिका में नहीं उसके बाहर भी देखा जा रहा है, और खासतौर पर टूरिज्म की सनत जिसके लिए न्यूयॉर्क जाना जाता है वो भी इस वाक़े से मुतासिर हो रही है। इज द सस्पेक्ट सैफुल्ला, इज ही कोऑपरेटिंग विद द अथॉरिटीज? He has been talking to the authorities. He waived his Miranda rights and he said that he was proud of what he has done. He has given them a lot of details in terms of the planning. He said he wanted an ISIS flag in his room. He also said that he had rented the car on the 22nd of October and that he was using it to practice. They had access to the videos that he had on 2 cell phones, 90 videos of ISIS influence. And he also said that that definitely played a part in what he had planned. He also gave a lot of details about what he wanted to do and why he did it on October 31st, because he thought it was going to be a lot of more people because it was Halloween. तो सैफुल्ला अथॉरिटी से बात कर रहा है अहलकारों से, और उसने कहा है कि हैलोवीन का दिन उसने इसलिए चुना क्योंकि उस ख्याल में उस रोज़ ज़्यादा लोग सड़कों पे होते हैलोवीन के त्यौहार के लिए। दूसरा, उसने ये भी बताया कि वो गाड़ी लेकर जिससे उसने हमला किया प्रैक्टिस करता रहा उसको चलाने की, और उसके अलावा उसने फ़ख्र का इजहार किया अपनी इस सरगर्मी पर, और उसने ये भी बताया कि आइसिस यानी दाइश के नाम पर उसने किया है, और उसने अपने हॉस्पिटल के कमरे में दाइश का परचम लगाने की का मुतालबा भी किया। सेलिया, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपडेट एंड वी विल कीप कमिंग बैक टू यू इन नेक्स्ट डेज। और इस वाक़े के बाद अमरीकी सदर ने न सिर्फ अमरीका आने वालों की जांच पड़ताल मजीद सख्त करने की बात की, बल्कि अब वो अमरीकी आबादी में तनव्वो बढ़ाने के लिए कायम डाइवर्सिटी वीजा प्रोग्राम को खत्म करने पर भी जोर दे रहे हैं। अमान अजहर इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ है। अमान, सदर इमिग्रेशन के अमल में क्या तब्दीली लाना चाहते हैं?
जी, जैसे आपने कहा, उन्होंने इस वाक्य के बाद जो ट्वीट्स की और उसके बाद कैबिनेट मीटिंग भी हुई जिसके बाद उन्होंने ज़राए ब्लॉक के नुमाइंदों से गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने इस वाक्य की जिम्मेदारी डाइवर्सिटी वीज़ा लॉटरी सिस्टम पर आयद की, जिसके तहत ये मुश्तबा शख्स अमरीका आया और मजीद अफराद को भी यहाँ लेके आया। उनकी ट्वीट्स का हदफ डेमोक्रेटिक हल्के थे और खसूसन चक शुमा, जो डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं जो कि इस वीज़ा प्रोग्राम के हमायती हैं और रहे भी हैं, और इस हवाले से उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस को फौरी तौर पर कहेंगे कि ऐसे इकदाम लेंगे जिससे ये लॉटरी सिस्टम या लॉटरी प्रोग्राम को ख़त्म किया जा सके, और ये उनकी कंसिस्टेंट लाइन है तारकिन वतन के अमरीका आने के हवाले से। सो दूसरी बात जो है वो इस पर कम्यूनिटी जो न्यूयॉर्क में है उसके हवाले से है, जो कि इस सारी सियासी गर्मा गर्मी और बहस मुबाहसे के दौरान अपना मौक़िफ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद अमेरिका में जो तारकिन वतन के हवाले से इंक्लूसिव पॉलिसीज़ हैं शायद उसका फुकदान है और उस बारे में कुछ किया जाना चाहिए। तो इन तमाम हालात का हमने एक अहाता किया है इस रिपोर्ट में, आइए वो देखते हैं। जहां एक जानब न्यूयॉर्क सिटी पुलिस दहशतगर्दी के वाक़े की तहकीकात में मशगूल है, सदर ट्रंप ने इस वाक़े पर कैबिनेट मीटिंग के बाद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से कहा है कि कांग्रेस जल्द अज जल्द वीज़ा लॉटरी प्रोग्राम के खात्मे के लिए काम का आगाज करे, क्योंकि मुश्तबा शख्स इस लॉटरी के जरिए 7 बरस पहले अमरीका आया था। सदर ट्रंप ने कहा वो लॉटरी प्रोग्राम की जगह मेरिट की बुनियाद पर वीज़ा प्रोग्राम को तरजीह देंगे। And we want to get rid of chain. हम चेन माइग्रेशन का खात्मा चाहते हैं। ये शख्स जो यहाँ आया था वो अपने साथ दीगर अफराद को भी साथ लाया है। लेकिन दहशतगर्दी के माहिरीन इस बात पर कायल नहीं कि डाइवर्सिटी वीजा प्रोग्राम के खात्मे से अमरीकी सलामती बेहतर होगी। हमें एक जानब तो बैरूनी ममालिक की जानब से आने वालों की तरफ से आलमी दहशतगर्दी के मसले का सामना है, तहम मेरे ख्याल से ये मसला अमरीका के अंदर इंतहा पसंदी के मसले जितना बड़ा नहीं, जिसकी वजह से अमरीका में पले बड़े अफराद पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी पर मायल होते हैं। माहिरीन के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी का इंसदाद दहशतगर्दी का इदारा नहायत मौसर है, लेकिन गाड़ी के इस्तेमाल से ऐसे हमलों को रोकना इंतहाई मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इंतहा पसंदी के खिलाफ मजीद इकदाम की जरूरत है। लेकिन इस सतह तक पहुंचने से पहले कई अवामल कारफरमा होते हैं जो ऐसे अशखास को इन रास्तों पर चलने में किरदार अदा करते हैं। दूसरी जानब न्यूयॉर्क की उज़्बक कम्युनिटी से मुंसलिक कारकुनान का कहना है कि इस मामले पर जारी गुफ्तगू में उनकी कम्युनिटी के नए तारकिन वतन के लिए किसी सपोर्ट नेटवर्क की कमी पर भी बात होनी जरूरी है। मुस्तकबिल में हम अपना कम्युनिटी सेंटर चाहते हैं जहां हम इकट्ठे हो सकें और मसाइल पर गुफ्तगू कर सकें, क्योंकि फिलहाल हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है और लोगों को इत्तलात की जरूरत है, तो वो ऐसी मालूमात कहां से लें? इंटरनेट से। कम्युनिटी नुमाइंदों और एक्सपर्ट्स की राय है कि अमरीकी माशरे में ऐसे अफराद की शमूलियत और इसके लिए तारकिन वतन की जुबान से मुतल्लिक रुकावटों को दूर करने की कोशिशें इस सिलसिले में फायदेमंद हो सकती हैं। अमान अजहर हमारे साथ है कैपिटल हिल से, थैंक यू अमान। और न्यूयॉर्क में दहशतगर्दी का वाकया अमरीका की मुसलमान कम्युनिटी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए कैसे चैलेंजेस नुमाया करता है, इस बारे में हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान से जो पॉलिटिकल इस्लाम और अमरीकी खारजा पॉलिसी के माहिर हैं। डॉक्टर खान, वेलकम टू व्यू 360। काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म CVE के नाम से लाखों डॉलर्स का अमेरिका में प्रोग्राम चलाया जा रहा है, बुनियादी तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी को इंतहा पसंदी से दूर रखने की ये एक कोशिश है, मुतनाजा प्रोग्राम है, आपके ख्याल में किस हद तक कामयाब हो रहा है इस तरह के वाकयात को देखते हुए? अगर आप ये वाकया को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये CVE का प्रोग्राम बिल्कुल फेलियर है, लेकिन अगर आप ब्रॉडर पिक्चर पर नजर दौड़ाएंगे तो देखेंगे बनिस्बत यूरोप के अमेरिका में बहुत कम इस तरह के वाकयात होते हैं। 9/11 के बाद से इस वाकये को मिला के तकरीबन टेररिज्म के अंडर सिर्फ 300 लोग मारे गए हैं 16 साल में, और इसमें मेजॉरिटी राइट विंग टेररिज्म है, यानी मुसलमानों की जो तरफ से जो शिद्दत पसंदी आ रही है उसमें 100-150 लोग मारे गए हैं 16 साल में। अगर आप यूरोप को देखेंगे तो वहां पर तो बाज़ वक़्त एक महीने में उतने लोग मारे जाते हैं, तो उस तरह से आप साफ कह सकते हैं कि जो काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है वो काफी हद तक काम कर रहा है। और अगर अमेरिकन मुस्लिम से जो रिक्रूट्स भी हुए हैं आइसिस के लिए पिछले 5-6 साल में वो 200 से कम हैं, और उनमें से कई ऐसे हैं जो मुसलमान ही नहीं थे जो डायरेक्टली आइसिस में रिक्रूट हो गए। ये बताइए, इस प्रोग्राम के मुतनाज़ होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इसका फोकस बहुत मुसलमानों पर है, तो इस वाकये के बाद मुसलमानों के खिलाफ क्या आप समझते हैं कि नफरत पर मबनी वाकयात बढ़ने का खदशा है? हाँ, हर वक्त हमने देखा है कि जिस तरह के वाकया होते हैं, ऑरलैंडो की शूटिंग हो उसके बाद मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम्स बढ़ जाते हैं, इस्लामोफोबिया सोसाइटी में बढ़ जाती है, और जो
इस्लाम की और अमेरिकन मुस्लिम्स की जो अप्रूवल रेटिंग्स है सोसाइटी में वो कम से कम होते जाती है। फिल वक्त तकरीबन सारे मजहबी कम्युनिटीज में सबसे कम अप्रूवल रेटिंग्स अमेरिकन मुस्लिम्स की है। लेकिन इस बार सदर ट्रंप ने भी जिस तरह से उन्होंने इस वाकये के बारे में बात की है, इससे इस्लामोफोबिया बढ़ सकता है। पिछले वक्त प्रेसिडेंट ओबामा हो या प्रेसिडेंट बुश हो, ये बात जरूर कहते हैं कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, लेकिन थोड़े बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं। लेकिन इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं की, और उनकी जिस तरह से रेटरिक बढ़ रही है उससे मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान मुल्कों के खिलाफ नफरत और बढ़ जाएगी। सदर ट्रंप ने ट्विटर पर कहा कि वो तो चाहते हैं कि साइपोव को गुआंटानामो बे भेज दिया जाए, लेकिन ये लंबा अमल होगा। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उसको सजाए मौत मिले, और उन्होंने डाइवर्सिटी वीजा का जो प्रोग्राम है उसे खत्म करने की बात की है। अब अगर हम सिर्फ इस प्रोग्राम पर फोकस करें तो सैफुल्ला इसके जरिए 7 साल पहले यहाँ आया था, दाइश से वो बजरिया इंटरनेट मुतासर हुआ। तो ये प्रोग्राम खत्म करने से क्या नतीजा निकलेगा, और ये जो इंटरनेट के जरिए यहाँ पहले से मौजूद लोग रेडिकलाइज हो जाते हैं उसका क्या तोड़ निकाला जाए? देखिए, अमेरिका में एक तो एक ये रिकॉग्नाइज नहीं की जाता है कि अमेरिकन सियासत, अमेरिकन कल्चर और अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका भी एक रोल होता है रेडिकलाइजेशन में। तो ये शख्स तो अमेरिका में अपनी जिंदगी बनाने के लिए 2010 में आया, इसकी रेडिकलाइजेशन यकीनन यहीं पर हुई। आईसीस 2010 में उसका कोई वजूद था ही नहीं। तो ये जो बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ये बस बदले के और गुस्से का जो एहसास है कम्युनिटी में उसको वो चैनल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका कोई पॉलिसी पे असर नहीं होगा, ना तो वो गुआंटानामो जाएगा ना शायद उसको सजाए मौत मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि उसके खिलाफ कई चार्जेस लगेंगे और वो शायद 40-50 साल के लिए बगैर पैरोल जेल में सड़ेगा। आपने पब्लिक पे जो उसका इम्पैक्ट होगा और जो गुस्से को हवा देने की और उसको एक एक्सप्रेशन देने की बात आपने की है, तो एक ये बहुत बड़ा इशू होता है कि मुसलमान कम्युनिटी एकदम से पूरी पे दबाव बढ़ता है। हमने हेट क्राइम्स की भी अभी बात की, तो एक शख्स के एक्शन के लिए तमाम कम्युनिटी को जिम्मेदार ना ठहराया जाए, ये किस तरह से यकीनी बनाया जा सकता है इस वक्त? देखिए, एक तो एक बहुत अगर आप सर्वेस वगैरह देखेंगे कि वो अमेरिकन जो मुसलमानों को जानते हैं और जो मुसलमानों के साथ इंटरेक्ट करते हैं उनका ओपिनियन मुसलमानों के बारे में भी और इस्लाम के बारे में बहुत पॉजिटिव है। तो ये जरूर चाहिए कि अमेरिकन मुस्लिम्स को जितना आउटरीच वो कर सके करें, पॉलिटिशियंस के साथ, पुलिस के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने ऑफिस के कम्युनिटी के साथ, अब मस्जिद के जो नेबर्स हैं उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाते रहें। जितना मुसलमानों के साथ अमेरिकन्स का ताल्लुक हो वो मुसलमानों के लिए, जब इस तरह का वाकया होता है तो जब लोग देखते हैं इमेजेस इस्लाम के और मुसलमानों के लिए, उनके दिमाग में, उनके इमेजिनेशन में एक काउंटर इमेज भी होना चाहिए कि ये सैफुल्ला टेररिस्ट है लेकिन मैं मुख्तज़र खान को जानता हूँ जो हमारे कम्युनिटी में एक एसेट है, सोशल जस्टिस के लिए खड़े होते हैं। तो इस तरह की जब चीजें होती हैं तो इस ये कम्युनिटी के लिए बेहतर होगा और इसके लिए एफर्ट कम्युनिटी को खुद करनी होगी। डॉक्टर मुख्तज़र खान, वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड योर इनसाइट। थैंक यू। न्यूयॉर्क में होने वाले इस वाकये समेत दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें और अपडेट्स आप जान सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, और इस वेबसाइट पर आप जब चाहें बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और फीचर रिपोर्ट्स के लिए भी लॉग इन कर सकते हैं, जिन्हें आप खुद भी पढ़ और देख सकते हैं और दूसरों से भी जरूर शेयर कीजिए। कराची में मुकीम सिख बरादरी को मिलने वाली एक अहम कामयाबी के बारे में आपको बताएंगे प्रोग्राम में आगे चलकर, और सॉफ्ट ड्रिंक की आदत छुड़वाने की एक अनोखी कोशिश के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड व्यू। बरतानिया के वजीर दिफा ने 2002 में एक इंटरव्यू के दौरान एक खातून सहाफी के साथ नामुनासिब रवैये के इल्जाम के पेश नजर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन खातून सहाफी का कहना है कि वो इसे जिंसी तौर पर हरासा किया जाना नहीं समझती। इस साल बहरे ओकियानूस में अमरीकी बहरिया और सिंगापुर के कार्गो जहाज के दरमियान होने वाले हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि हादसा अमले की गफलत के बाइस पेश आया। हादसे में अमरीकी बहरिया के 10 अफसरान हलाक और 5 जख्मी हो गए थे। बरतानवी बेलफोर डेकोरेशन की 100वीं सालगिरह के मौके पर फलस्तीनियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। 1917 में बरतानवी वजीर खारजा आर्थर बेलफोर ने फलस्तीन को यहूदियों का मुल्क करार देते हुए इसराइल की हिमायत का ऐलान किया था। शुमाली अमेरिका के ममालिक में डे ऑफ डेथ का त्यौहार मनाया गया। गोतेमाला में होने वाले त्यौहार में लोगों ने अपने वफात पाने वाले रिश्तेदारों की कब्रों पर फूल रखे और उनके लिए दुआएं की। इस मौके पर रंग बिरंगी तकरीब का अहतमाम भी किया गया।
अगस्त में तशद्दुद फूटने के बाद आज म्यांमार की लीडर आंग सान सू ची ने रियासत राखाइन का पहली मरतबा दौरा किया। इत्तलात के मुताबिक सू ची ने राखाइन में मुसलमान रहनुमाओं से भी मुलाकात की और उन्हें पुरअमन रहने, हुकूमत पर भरोसा करने और आपस में लड़ाई न करने की तलकीन की। इलाके में फौज के क्रैकडाउन के बायस अब तक कम अज कम 6 लाख रोहिंग्या पनाह की खातिर बांग्लादेश का रुख कर चुके हैं। और वाशिंगटन में ट्रंप इंतजामिया और अराकीन कांग्रेस रोहिंग्या बहरान के हल के लिए म्यांमार पर दबाव डाल रहे हैं। आइए मिलते हैं एक अमरीकी डॉक्टर से जो बांग्लादेश से लेकर अमेरिका तक रोहिंग्या की मदद में मसरूफ है। शिकागो पहुंचने के बाद अब्दुल जब्बार अमानुल्ला रियासत राखीन में अपने खानदान के साथ मुसलसल रबते में थे, लेकिन म्यांमार से आने वाली हालिया खबरें परेशान कुन हैं। वो मुझे बता रहे हैं कि हालात बहुत खराब हो गए हैं क्योंकि फौज ने उनका घेराव कर रखा है। अपने गांव से उनका आखिरी रबता ये वीडियो है जिसमें उनका गांव जल रहा है। हमें नहीं पता कि आग कौन लगाता है, लेकिन मेरे गांव के घरों को आग लग रही है। अमानुल्ला को शक है कि ये फौज या उनके धड़ों का काम है। म्यांमार हुकाम आतिशजनों को मूर्ते इल्जाम ठहराते हैं और कहते हैं कि मुबालगा आरई ज्यादा है। सच का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन वहाँ से भागने वाले मुसलसल एक ही कहानी सुनाते हैं। सभी की कहानी एक जैसी है। फौज देहातों में आती है, उन्हें नजर आतिश करती है और आदमियों को मारती है। 12 साल और उससे ऊपर की औरतों के अगवा और इसमें दरी की बेशुमार रिपोर्ट्स हैं। उन्हें अपने साथ कुछ ले जाने नहीं दिया जाता और वहाँ के लोग पहाड़ों की जानिब भागते हैं। डॉक्टर इमरान अकबर शिकागो वापस पहुंचे हैं बांग्लादेश के कैंपों के दौरे से, जहां हजारों की तादाद में रोहिंग्या पनाह लेने पर मजबूर हैं। खाने के इंतजार में खड़े लोगों की कतारें मीलों लंबी हैं। रोजाना बारिश की वजह से कीचड़ है, जिसकी वजह से गाड़ियों का गुजरना मुश्किल है। हिफ्जाने सेहत और मुनासिब लैट्रीन की सहूलियत नहीं है, जिससे हैजे और दूसरी बीमारियाँ फैलने का खतरा है। तस्वीरों और वीडियो के साथ अकबर अमरीकी कानून साजों से मदद की दरख्वास्त कर रहे हैं। What we know is this. हमें ये पता है कि म्यांमार में नस्ल कशी हो रही है। तस्वीरों और वीडियो के साथ अकबर अमरीकी कानून साजों से मदद की दरख्वास्त कर रहे हैं। उन्होंने सेनेटर डिक डर्बन से शिकागो के रोहिंग्या कल्चरल सेंटर में बात की। They should allow UN observers. इन्हें अक्वामे मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन को म्यांमार में रोहिंग्या के तमाम इलाकों तक रसाई देनी चाहिए। इस सिलसिले में कोई यूजर नहीं चलेगा और अमरीका को अपनी इमदाद बंद कर देनी चाहिए। डर्बन चाहते हैं कि म्यांमार की फौज के साथ तमाम ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए जाएं। अब्दुल जब्बार अमानुल्ला को अपने घर वालों की खैरियत का इंतजार है और वो उम्मीद करते हैं कि अमरीकी हुकूमत का रद्द अमल उनके खानदान की बरवक्त मदद कर पाएगा और इस इंसानी बहरान को भी, जिसकी वजह से 5 लाख लोग दर बदर हो गए हैं। केन फराबा के साथ सबाशा खान, उर्दू VOA। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की पैदाइश के 549 साल पूरे होने के मौके पर दुनिया भर से सिख यात्री 5 नवंबर को हसन अब्दाल में जमा होंगे। कराची के बहुत से सिखों के लिए ये साल इसलिए भी अहम है क्योंकि एक तवील कानूनी जंग के बाद उन्हें शहर में अपने एक कदीम गुरुद्वारे का कब्जा मिला है। ये सरदार हीरा सिंह हैं, जो गुज़िश्ता कई साल से वकालत के पेशे से वाबस्ता हैं। उम्र के इस हिस्से में भी ये मुकम्मल फाल और अपने पेशे में अहम मकाम रखते हैं, लेकिन ये इनकी जिंदगी का एक रुख है। सरदार हीरा सिंह कराची के इस गुरुद्वारे के ट्रस्टी भी हैं और यहाँ सिख मजहब की तालीमात का प्रचार करते हैं। इन्हीं की कोशिशों से सिखों की इबादत का 24 साल बाद खोली गई है। 1993 में मिल्कियत के तनाजे पर ये गुरुद्वारा अदालती अहकाम के बाद सील कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनका क्लेम डिसमिस कर दिया और ये जो है ना अटेंड फाइनलिटी हो गया सिविल लिटिगेशन। तो अब मैंने फिर जाके SDM के कोर्ट में या सिविल जज के कोर्ट में बोला भाई ये कब्जा मेरे पास था, इनका साबित नहीं हुआ, लिहाजा मुझे दिया जाए। तो अभी ये मेरे को मिल गया है, अभी हमारे कम्युनिटी को मिल गया है। 80 साल पुराना ये गुरुद्वारा दोबारा खुलने पर कराची में मुकीम सिख बिरादरी के लोग काफी मुतमईन दिखाई देते हैं, क्योंकि ये इबादतगाह कराची में बचने वाले चंद कदीम गुरुद्वारों में से एक है। पहले पंजा साहब जाते थे, नानकाना साहब जाते थे, कोई ले जाता था कोई नहीं भी ले जाता था। यहाँ अपने शहर पे गुरुद्वारा खुल गया है, हमें इससे अच्छी बात क्या है, बहुत खुशी है हमें। कराची का वाहिद गुरुद्वारा है जहाँ पर प्रॉपर वाणी चलती है, गुरु साहब जी का पाठ होता है, कीर्तन होता है, लंगर प्रसाद होता है, तो काफ़ी पुरसकून जगह है।
गुरुद्वारे की मिल्कियत के लिए 2 अशों से जायद तक कानूनी जंग लड़ने वाले सरदार हीरा सिंह का कहना है कि तवील इंतजार के बाद इनकी कम्युनिटी को इंसाफ तो मिला है, लेकिन इसके लिए सब्र आजमा और लंबी जद्दोजहद भी करना पड़ी। हमारे मुल्क में अवेयरनेस नहीं है कानून को, तो अभी मैं इनको लिख रहा हूँ, बड़े अदारों को, सुप्रीम कोर्ट लिख रहा हूँ, इनकी ट्रेनिंग कराए तमाम मजहब की, ताकि इंटरफेस हारमोनी और इनको ये पता चले कि मजहब आपस में कैसे मिलकर रह सकते हैं। कराची में आबाद तकरीबन 5,000 सिखों के लिए इस वक्त 5 गुरुद्वारे हैं, जिनमें से गुरु नानक सत्संग सभा गुरुद्वारा सबसे पुराना और अहम माना जाता है। सिख कम्युनिटी का कहना है कि अपने हुकूक हासिल करने में बास चैलेंजेस के बावजूद इन्हें मुल्की निजाम इंसाफ पर मुकम्मल एतमाद भी है। मोहम्मद साकिब, उर्दू VOA, कराची। खाने के साथ बहुत से लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, ये जानते हुए भी कि ये सेहत के लिए अच्छे नहीं। लोग पानी ज्यादा पिए, इसके लिए वाशिंगटन DC के करीब एक अनोखा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आइए देखते हैं इस हफ्ते के हेल्थ सेगमेंट में। ये दोपहर के खाने का वक्त है और सिरु कास्त्रो एक खसूसी खाना पेश करने में मसरूफ है। एक बड़ी प्लेट में चिकन, लोबिया, चावल और सलाद के साथ पानी की एक बोतल पेश की जा रही है। इस प्लेट पर $10 खर्च हुए हैं, लेकिन ग्राहकों के लिए ये सिर्फ $5 की है। इस स्पेशल ऑफर की मकामी अखबारात, रेडियो और सोशल मीडिया पर इश्तहारात के जरिए मशहूरी के बाद उनके रेस्तरां में लोगों का रश बढ़ा है। इससे उनके ग्राहकों को भी वो करने की तरगीब मिली है जो वो पहले नहीं कर पानी पीना। पहले जब लोग खाना खाने आते थे तो वो जूस या सोडा ऑर्डर करते थे, पानी नहीं। मैंने वेटर से कहा कि वो उन्हें पानी पेश करें, अगर वो सोडा वगैरह भी पियेंगे तो खाने के दौरान कहीं ना कहीं वो पानी का घूंट तो भर ही लेंगे। उनका पुएंटे डियारो उन 5 रेस्तरानों का हिस्सा है जो वॉशिंगटन के मजाफाती इलाके लैंगली पार्क के वाटर अपनामी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। इस इलाके में लैटिनी आबादी और रेस्तरां बड़ी तादाद में मौजूद है। Drink more water and eat less. इस मुहिम का इनसार मकामी लीडर ब्रेंडा बारियोस जैसे रजाकारों पर है जो हमसायों और रेस्तरां के मालिकों में इस प्रोग्राम से मुतालिक आगाही पैदा कर रहे हैं। इसका मकसद मालिकान को कायल करने से ज्यादा आगाही देना है, उन्हें ये सोचने पर मजबूर करना है कि हमें अपने मेन्यूज को तब्दील करने की जरूरत क्यों है। क्या आप अपने खानदान की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि आखिर में हम एक खानदान हैं। मुझे ये तस्वीर पसंद आया है क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की हौसला अफजाई करता है। पानी एक सेहत बख्श और सस्ता मशरूब है। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ओरी कोलोन रामोस कहती हैं कि ऐसे इश्तहारात हैं जो लातिनी कम्युनिटी को मीठे मशरूबात पीने की तरगीब देते हैं। होम कंट्रीज, अपने आबाई मुल्कों में भी उनके साथ यही हो रहा है, क्योंकि यही ग्लोबलाइजेशन है। वहाँ भी वो ऐसे मशरूबात पीने की तरगीब देने वाले इश्तहारात देखते हैं, और जब वो यहाँ अमेरिका आते हैं तो हर तरह के मशरूबात तक उनकी रसाई होती है। इन मशरूबात से जुड़े सेहत को पहुंचने वाले मुमकिन खतरात में ये इश्तहारात अहम किरदार अदा करते हैं। शुगर वाले इन मशरूबात से सबसे बड़ा खतरा डायबिटीज का होता है, ये हमारी खुराक का हिस्सा नहीं होने चाहिए। 4 माह पर मुहित ये प्रोजेक्ट चंद माह कबल ही शुरू हुआ है। रिसर्चर्स लोगों की आरा और नतायज इकट्ठे कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद है कि वो इसे मजीद पुरअसर बनाएंगे और दूसरे इलाकों में भी इसका आगाज करेंगे। सादिया असद, उर्दू VOA। बस अब यही रास्ता रह गया है कि लोगों को पानी पीने पर डिस्काउंट दिया जाए। खाने पीने की बात हो रही है तो कीड़ों के कबाब खाना चाहेंगे आप? इसराइल में एक बिजनेसमैन फ्रूट फ्लाई से आटा बना रहा है जो प्रोटीन से भरपूर है। फल चूसने वाली ये मक्खी जब नन्नी सी सुंडी की शक्ल की होती है तो उसे पीस कर उसकी पेस्ट बनाई जाती है, जिसे सुखा कर फिर प्रोटीन पाउडर बनता है। आपको घिना रही होगी, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, लेकिन ये आयरन, कैल्शियम और दीगर मिनरल से भी भरपूर है और जानवरों की अफजाइश के मुकाबले में माहौल के लिए बिल्कुल नुकसानदेह भी नहीं। तो अगर ये आटा नहीं पसंद आपको तो इन कीड़ों से तेल भी वो बना रहे हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी आपको आमादा करने की कोशिश नहीं कर रही, क्योंकि मैं खुद भी कन्विंस नहीं हूँ। बहरहाल मेरे ख्याल में ये फ्राइड कीड़े या बारबेक्यूड कीड़े मकौड़े खाने से बहरहाल बेहतर है, क्योंकि उसको खाते हुए पता नहीं लगेगा कि आप क्या खा रहे हैं। वेल, ये था हमारा आज का व्यू 360। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOAUrdu पर, और ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। सारा सामान को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।